अल्फा डिके के बाद नेक्स्ट टाइप का जो रेडियो एक्टिव डिके है, दैट डिके इज बीटा डिके। देखिए बीटा डिके का मतलब क्या है? बीटा डिके का मतलब है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। बीटा डिके मींस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था, थोड़ा बहुत लिखवाया था, कुछ पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स लिखवाए थे। भाई बताइए, लिखवा दिया था मैंने पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स सब लिखवा दिए थे? न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन सब पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे। ओके ये सब मैं लिखवा चुका था ना, मैं यूज करूंगा उन सारी चीजों को। तो बीटा डीके मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं एंड दिस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज बीटा डीके। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये आएगा, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कैसे आ रहे? बीटा पार्टिकल्स बेसिकली मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। इन जनरल जब हम कहते हैं बीटा पार्टिकल, दैट मीन्स बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। जी, मैं बाकी टाइप के बीटा डीके भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि नॉवल के पहले पेज पर ही पूरी स्टोरी लिख दे, टाइम लगता है ना, एक एक कर कर सारे टॉपिक्स पर आएंगे। आप 15 मिनट पेशेंस रखिए, 15-20 मिनट आपको हर तरह के बीटा डीके दिख जाएंगे, जितने भी आपने सुने होंगे वो सब दिख जाएंगे आपको, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। लेकिन सो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज बीटा डीके। जब लोगों ने पहली बार इस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया तो बड़ा स्ट्रेंज था, पता था कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में आ कहां से रहे? तो उसके लिए एक इक्वेशन प्रपोज्ड इक्वेशन, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, प्रपोज्ड हो गया इक्वेशन फॉर बीटा डीके। बीटा डीके के लिए जो प्रपोज्ड इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है N10 कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है जिसे ई बीटा कह देते हैं, एनर्जी रिलीज होता है। कुछ ई अमाउंट ऑफ क्यू लिख दो, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई। सो ये प्रपोज इक्वेशन थी कि भाई बीटा डीके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्सपेक्टेड ये था कि भाई जब बीटा डीके होने वाला होता है तब एक न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर और वो बीटा डीके आपको मिल जाएगा। लेकिन जब इस इक्वेशन को ढंग से स्टडी किया गया ना तो इस इक्वेशन में कई प्रॉब्लम्स। दिस इक्वेशन वायलेट्स, और इसे लिखते हैं दिस इक्वेशन have some major issues. इस इक्वेशन के साथ कुछ मेजर इश्यूज है। पहला इशू, इट वायलेट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट वायलेट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। देखो रीजन क्या है भाई, यहां पर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी निकली। अब ये जो एनर्जी है ये एनर्जी किसके पास होनी चाहिए? प्रोटॉन के पास होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए इससे पहले कि जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है, मान लीजिए किसी बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, तो वहां जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में नहीं रिलीज होती, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है। फिर बाद में जब वो पार्टिकल्स एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स अ सिंपल थिंग। मैं दोबारा कह रहा हूं, जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है तो वहां ऐसा नहीं होता हीट रिलीज हो गई, पार्टिकल्स निकलते हैं विद अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। व्हेन दोस पार्टिकल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर तो फ्रिक्शन की वजह से पार्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। So, क्या क्या इश्यूज थे इस इक्वेशन के साथ? द फर्स्ट इक्वेशन इश्यूज, इट वायलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो होना क्या चाहिए, एक मिनट,
कि जो भी एनर्जी रिलीज हो वो एनर्जी उस पार्टिकल के पास मिलनी चाहिए जो मूव कर रहा है। प्रोटॉन मूव नहीं करता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, बाहर तो इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं इस रिएक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई, तो वो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसके पास मिलनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन के पास मिलनी चाहिए। इसे क्यू ना लिखकर मैं ई बीटा ही लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा। जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी किसके पास मिलनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन के पास मिलनी चाहिए। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मिलनी चाहिए और किसी के पास नहीं। लेकिन होता क्या है जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो कुछ ऐसा हुआ, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई, तुम्हें पता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है, बट जब तुम इलेक्ट्रॉन देख रहे हो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, कितने का लॉस हुआ? बता दो जरा से, समझ में आया मुझे कि आपको बात समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल सब लिख दिया करो। देखो वन टाइप करने में क्या जाता है, कुछ ज्यादा थोड़ी ना रहा ज्यादा, मुझे जरा सा अंदाजा लग जाएगा कि तुम्हें कितना समझ में आया। हाँ जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लॉस हो गई। कहाँ लॉस हुई पता नहीं। अब ये जो चीज मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ग्राफ ऐसे आता है, एक ये आएगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से ग्राफ सोचो जरा सा कैसा होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर जा रहे हैं, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई, तो क्या होगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन लो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा लोगे उसके लिए भी उतनी एनर्जी, तीसरा लोगे उसके लिए भी एनर्जी। अगर सारी एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही लेकर जा रहे हैं तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखो यहां हो गया रहा है, मान लो कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में एनर्जी रिलीज हुई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं तुमसे कहता हूं, अच्छा मान लो कि सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर जा रही है, ग्राफ का नेचर क्या होगा? आप ऐसे प्लॉट करोगे, आप करोगे भाई अगर सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है तो मैं कितने भी इलेक्ट्रॉन्स लेता चला जाऊं, नंबर इलेक्ट्रॉन का बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एनर्जी कितनी रहेगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। बट एक्सपेरिमेंटली जब हम इस चीज को देखते हैं ना, तो ऐसा आता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। अब मुझे बताओगे ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी 4 नहीं है, 4 से कम है, मान लो 1.5 है। ये है ना मैक्सिमम, देखो यहां लिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो इसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग होंगे। मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5। कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कहां गई एनर्जी नहीं पता। तो दिख रहा है वायलेशन, ये ग्राफ कैसे वायलेशन शो कर रहा है, ये आ जाता है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन। ये ग्राफ कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी है ना, दैट एनर्जी इज लेस देन द मैक्सिमम एनर्जी। कहां गई एनर्जी? गायब हो गई, पता ही नहीं चला, ना पार्टिकल बना ना कुछ हुआ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली को ऐसे लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ शोज
दैट वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी. Majority have energy less than maximum energy. So इसका क्या मतलब है? Energy conservation violate हो गया. Energy conservation violation. इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे. इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा क्या वायलेशन आता है. जब ये बोर्ड्स में आता था ना टॉपिक, तो पहला क्वेश्चन ये बनता था कि बताओ कि बीटा डीके की जो प्रपोज्ड इक्वेशन थी उस इक्वेशन के साथ प्रॉब्लम्स क्या थी. तो पहली प्रॉब्लम ये लिख कर आते थे, भाई ये ग्राफ आता है एक्सपेरिमेंटल जो एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि एक ही पार्टिकल निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास सारी एनर्जी नहीं है. सो इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो जी लिख लिया. ये बड़ा काम का ग्राफ हुआ करता था पहले. अब न्यूक्लियस में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी उसमें से एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व था और एक ये वाला ग्राफ था. ये पूछ लेता था ये एनर्जी कंजर्वेशन कैसे वायलेशन दिखा रहा है. नेक्स्ट देखिए, violation of conservation of momentum. Violation of conservation of momentum. अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि ये एक न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस टूट गया दो पार्ट्स में, एक पार्ट ए में टूटा पार्ट बी में टूटा. दो पार्ट्स में टूट गया, ये इनिशियली रेस्ट में था, ये दो पार्ट्स में टूट गया. अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं कि ये दोनों ऐसे जाने चाहिए, ये दोनों ऐसे जाने चाहिए, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है. क्या लगता है, एक न्यूक्लियस दो में टूटा, ये दो को कैसे मूव करना चाहिए? ऐसे मूव करेंगे या कहीं भी चला जाए? अलमास का गलत है, बाकी रहबर का भी गलत है, इफ्रा का भी गलत है, जुहेब का भी गलत है. धावल ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी, कौन सा करेक्ट ऑप्शन बताओ. बाकी सबका सही है. फायका का गलत है, सादिया का भी गलत है, बाकी जिनका सही आ रहा है मैं बोल नहीं रहा, बहुत बड़ा नंबर है सही वालों का ना, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा. चलो मेजॉरिटी का सही है ए. अरे भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर एक सिस्टम दो पार्ट्स में, एक बॉडी रेस्ट में थी वो दो में ब्रेक हो जाती है, तो बोथ द पार्ट्स शुड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा. रिकॉइल ऑफ गन देख लो, बुलेट आगे जाती है गन पीछे आती है, कहीं भी एक बॉडी जो रेस्ट में थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो एक हिस्सा आगे जाएगा एक एग्जैक्टली पीछे आएगा टू कंजर्व मोमेंटम. सो न्यूक्लियस में अगर अल्फा डिके हुआ, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन दो पार्ट में टूट गया, एक प्रोटोन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, सो दे शुड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन to conserve momentum.
इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन शुड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, दे शुड मूव इन एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन. But they are almost never. So they almost never recoil at 180 degree in opposite direction. Expected ये था कि opposite direction में जाएं, but ऐसा कभी नहीं होता कि opposite direction में जा रहे हैं. That means conservation of momentum भी violate हो रहा है. एक और चीज देखिए, एक और violation मिलता है, violation of conservation of spin. और spin violation का मतलब है angular momentum. स्पिन वायलेट हो रहा है, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है. तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बस इतना सा है कि मैं इक्वेशन लिख के दिखाता हूं आपको, तब आप बेहतर समझोगे. न्यूट्रॉन का स्पिन बताओ मुझे कितना था, जल्दी बताओ न्यूट्रॉन का स्पिन कितना था. मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, मैंने सारे स्पिन्स लिखवाए थे आपको. स्पिन बता दो न्यूट्रॉन का कितना था, हाफ था. प्रोटॉन का भी हाफ था, इलेक्ट्रॉन का भी हाफ था. तो यहां तो स्पिन हाफ, यहां स्पिन वन. स्पिन कंजर्वड है या वायलेट हो रहा है, एक तरफ हाफ एक तरफ वन. कंजर्व तो तब होता जब दोनों तरफ स्पिन सेम आता, तो स्पिन नॉट कंजर्व. तो ये बड़ी मुसीबत है कि तीनों ही कंजर्वेशन लॉज वायलेट हो गए, ना एनर्जी कंजर्व, ना मोमेंटम कंजर्व, ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व. एक आध वायलेट हो रहा होता तो चलो समझ में आता है, कहीं ढूंढते कोई एक्सेप्शन. तीन मेजर कंजर्वेशन लॉज वायलेट हो गए, नहीं होना चाहिए. हाँ सनाउल अभी आता हूं मैं, नहीं होना चाहिए ये रिएक्शन, लेकिन मिलता है नेचर में. तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों वायलेशन ये बताते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, दिस इक्वेशन हैव समथिंग मिसिंग. मैं लिख दूं एक बार, फिर मैं आपके लिए टाइम देता हूं. तो वायलेशन ऑफ दीज कंजर्वेशन लॉज शोज कंजर्वेशन लॉज शोज दैट N10 P11 plus नहीं, is not correct. कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर ये इक्वेशन है तो तीनों कंजर्वेशन लॉज वायलेट हो रहे हैं. ऐसा नहीं हो सकता यार, नेचर में सारे ही कंजर्वेशन लॉज वायलेट कर रहे हैं, कहीं तो मसला है. अब देखेंगे वो मसला प्रॉब्लम कैसे दूर होती है. पहले इतना लिखना शुरू कर दीजिए, फिर उस प्रॉब्लम पर आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व होगी. प्रॉब्लम तो दिख गई आपको, सॉल्यूशन देखना है कैसे सॉल्व होगा. सनाउल हो जाए इतना तो मुझे बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आऊंगा. इतना लिख लीजिए, जब हो जाए मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. सबने लिख लिया, चलो इसे लिखो.
वही मैंने ये मैक्सिमम है वो बेसिकली, ये जहां तक ये जा रहा है वो मैक्सिमम है, ये के ही मैक्स मैक्सिमम एनर्जी बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स के पास है ये दिखा रहा है, ये मैक्सिमम है तो आई जहां जाकर ये खत्म हो रहा है, तो मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी मैक्सिमम से कम है। हमने लिख लिया ये, चलिए चलिए इसे लिखिए, फिर देखते हैं ये कैसे खत्म होता है। अब ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये पॉली ने सॉल्व करी, दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय पॉली। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यूट्रल मासलेस न्यूट्रल हैव जीरो रेस्ट मास सो पॉली ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पॉली का नाम सुना है आपने पहले कभी? तो सुना होगा पॉली, सुना होगा आप लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही वाला पॉली है। तो पॉली ने कहा कि एक पार्टिकल और उसने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम उसने न्यूट्रिनो दिया, तो उसने सिर्फ ये कहा, उसने कहा ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है एक एंटी न्यूट्रिनो है, पी बीटा अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसने कहा ये है एग्जैक्ट इक्वेशन, ये न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, इसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। अब जैसे ही एंटी न्यूट्रिनो इंट्रोड्यूस किया, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए कैसे सॉल्व हुई, प्रॉब्लम क्या थी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं थी तो कहां थी, एंटी न्यूट्रिनो के पास थी, जिस एनर्जी का लॉस आ रहा था वो एनर्जी किसके पास थी, एंटी न्यूट्रिनो के पास थी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी भाई, मोमेंटम कंजर्व नहीं था, कहां गया,
एंटी न्यूट्रिनो के पास, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। स्पिन की प्रॉब्लम थी, देखो स्पिन की प्रॉब्लम भी दूर हो गई। न्यूट्रिनो का स्पिन हाफ, प्रोटॉन का हाफ, इलेक्ट्रॉन का हाफ, एंटी न्यूट्रिनो का माइनस हाफ, तो यहां भी स्पिन हाफ और यहां भी स्पिन हाफ। सो जैसे ही पॉली ने इस एंटी न्यूट्रिनो को सजेस्ट किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट ये पॉली ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया था, उन्हें सब बता दिया था कि एक पार्टिकल होगा एंटी न्यूट्रिनो, ये चार्ज होगा, ये मास होगा, ये स्पिन होगा, सारी प्रॉपर्टीज बता दी थी। लेकिन पॉली के प्रिडिक्ट करने के शायद 15 या 20 साल के बाद ये एक्चुअल में डिस्कवर हुआ था। सो दिस इज इट, पॉलीज, ये पॉली ने एंटी न्यूट्रिनो को सजेस्ट किया था कि एंटी न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करेगा। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट आया, फिर लोगों ने जब बीटा डीके देखा तो एक तरह का नहीं, तीन तरह के बीटा डीके एग्जिस्ट करते थे। न्यूट्रिन नेचर में तीन तरह के बीटा डीके एग्जिस्ट करते हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ बीटा डीके। भाई बताइए यहां तक की कहानी समझ में आई कि क्या क्या वायलेशंस थे, वायलेशंस दूर करने के लिए पॉली ने क्या इंट्रोड्यूस किया और उसने कैसे वायलेशंस दूर कर दिए। जो एनर्जी का लॉस हो रहा था दैट वॉज कैरीड बाय एंटी न्यूट्रिनो। मोमेंटम कंजर्वेशन में इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी न्यूट्रिनो जाता है, और स्पिन कंजर्वेशन मैंने आपको दिखा दिया, एंटी न्यूट्रिनो को इंट्रोड्यूस करते ही स्पिन कंजर्व हो जाता है। टाइप्स ऑफ बीटा डीके में तीन तरह के बीटा डीके होते हैं। पहला होता है बीटा नेगेटिव डीके, इसे कहते हैं बीटा नेगेटिव डीके। सबसे ज्यादा नेचर में यही डीके मिलता है। बीटा नेगेटिव डीके वही है जो आपने अभी पढ़ा था कि न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, एक एंटी न्यूट्रिनो आ गया और कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। अब मुझे बस एक बात बता दो, यहां लेफ्ट में ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में था, न्यूट्रॉन गया, प्रोटॉन आया, ये भी न्यूक्लियस में आ गया। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, क्या मास नंबर में कोई चेंज आएगा? जल्दी बता दो मुझे बीटा डीके में, क्या तुम्हें लगता है अगर एक न्यूट्रॉन एकदम से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, क्या मास नंबर में कोई चेंज आया न्यूट्रॉन का? यार कुछ लोग, ज्यादा लोग आंसर दो, क्या सो रहे हो तुम लोग, आंसर ही नहीं आ रहे, ये तो इतना इजी पूछ रहा हूं मैं। अरे यार कहां चेंज आया, देखो कहां चेंज आया, मास नंबर यहां भी वन था, यहां भी वन है, मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया भाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया बस, बाकी सब तो बाहर निकल गया, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, यही रह गया न्यूक्लियस में, तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आया। कोई चेंज नहीं है मास नंबर में। एटमिक नंबर में कोई चेंज आया? ढंग से देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, क्या एटॉमिक नंबर में चेंज आया? देखो अब भी क्या करते हैं बाकी लोग, इतने सारे बैठे हुए हैं शायद। हाँ अरे धावल देखो आया, न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर जीरो था, प्रोटॉन का वन है, अबे जीरो से वन में कन्वर्ट हो गया, ये तो बाहर निकल गया, ये सब बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, ये नहीं है न्यूक्लियस में, सिर्फ न्यूक्लियस में ये और ये है, ये था फिर ये आ गया, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय वन। एटॉमिक नंबर वन से इंक्रीज हो गया, इट इंक्रीज बाय वन। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वो कुछ भी दे देता है आपको, मान लो ये दे दिया, कहते यार एक काम करो इसमें जरा बीटा नेगेटिव डीके कराओ, जब बीटा नेगेटिव डीके कराओगे तो क्या बनेगा, एक वाई बनेगा, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर वन से बढ़ जाएगा,
रशीद होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक एंटी न्यूट्रिनो चला गया, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। बताओ भाई, ये आया समझ में? नहीं आया? ये आते हैं, अब तो क्या आएंगे, ये आते थे रिएक्शंस, ये सिखाना है आपको। अच्छा ये और बता दो, ये एनर्जी आई कहां से? हवा में से तो नहीं आई होगी, एनर्जी आई कहां से? पहले तो नहीं थी एकदम से एनर्जी, ईबीटा कहां से आ गई? हाँ, ईबीटा एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। और यही एनर्जी ना बेसिकली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो शेयर करते हैं। मास डिफेक्ट देखो निकालना बड़ा आसान काम है। मास डिफेक्ट निकालने के लिए सिर्फ इतना काम करो, मास लो एक्स का, एटम का मास कह रहा हूं मैं, नहीं कह रहा न्यूक्लियस का मास, इसके एटम का मास लो और इसमें से वाई के एटम के मास को सब्ट्रैक्ट कर दो। एटम का मास है, न्यूक्लियस का नहीं है, बस। इलेक्ट्रॉन मत लो, न्यूक्लियस का मास लोगे तो इलेक्ट्रॉन लेना होगा, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूं, दोनों के एटम का मास सब्ट्रैक्ट कर दो। और एनर्जी तुम जानते हो कैलकुलेट करना, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, लिखते ऐसे हैं और करते ऐसे हैं। बट ये याद रहना चाहिए कि डेल्टा एम किस यूनिट में होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये बीटा नेगेटिव डिके, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की होती है। अगर वो नहीं लिखता कौन से टाइप का बीटा डिके, देन बाय डिफॉल्ट इट्स बीटा नेगेटिव डिके। कोई और बीटा डिके होगा तो बताएगा, बट बाय डिफॉल्ट बीटा इज बीटा नेगेटिव डिके। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे लिखेंगे। नहीं तो और किसी चीज में नहीं करता यार, न्यूट्रिनो और कुछ नहीं करता, बाहर निकल जाएगा फौरन। ये बनेगा उसी टाइम जब डिके होगा, बाहर निकल जाएगा बेचारा, और कुछ नहीं करेगा। जो सनरेज आती है ना, उन सनरेज में मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आते हैं जो आपकी बॉडी से पास कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। इतना लिखा तो फिर बीटा पॉजिटिव देखते हैं। लिखिए 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 लिखिए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिएगा। एक और टाइप का बीटा डीके होता है जिसे कहते हैं बीटा पॉजिटिव डीके। यहां कहानी थोड़ी सी अलग होती है। एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, पॉजिट्रॉन है, प्लस एक न्यूट्रिनो, प्लस ये एनर्जी। मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, बताया था पॉजिट्रॉन की कहानी। मुझे बताओगे मास नंबर चेंज होता है या सेम रहता है? क्या लग रहा है? ये तो बाहर निकल गया, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, हाँ बचा गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, नो चेंज इन मास नंबर।
नो चेंज इन मास नंबर, एटॉमिक नंबर। अबे सनाउ देख तो लो यार, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट, क्या चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, वन से जीरो इंक्रीज थोड़ा हुआ, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज बाय वन, वन से डिक्रीज हो गया। तो अरे सॉरी लिख तो दूं, तो एक एलिमेंट एक्स है, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, बीटा पॉजिटिव डिके कराया, एलिमेंट वाई आया, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर इज जेड माइनस वन, पॉजिट्रॉन निकला, न्यूट्रिनो निकला, कुछ एनर्जी रिलीज हुई। ये याद रखिएगा, एक और टाइप का बीटा डिके होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अगर आप रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन याद करें तो आपको याद आएगा, रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशन में था कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, और मैंने कहा था इफ इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वो अब आपको यहां दिखेगा, अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। कभी कभी न्यूक्लियस ये काम भी कर देता है, न्यूक्लियस क्या करता है, अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, जैसे ही उसने कैप्चर किया ये रेडियो एक्टिव हो गया। अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये एक न्यूट्रॉन बना देगा प्लस एक न्यूट्रिनो बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया अपना, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कंबाइन कर न्यूट्रॉन बना देगा, एक न्यूट्रिनो बाहर निकल जाएगा। अच्छा चलो मैं इसी इक्वेशन में तुम्हें ये भी सिखा दूं कि कैसे चेक करते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन। यहां मास नंबर जीरो, यहां मास नंबर वन, ये जीरो, यहां मास नंबर वन, यहां मास नंबर जीरो। तो देखो मास नंबर कितना आ गया, वन रहा, कंजर्वड है। ऐसे ही सीखो एटॉमिक नंबर, सब कंजर्वड रहेगा, एटॉमिक नंबर वन माइनस वन, यहां एटॉमिक नंबर जीरो, वन माइनस वन जीरो, जीरो आ गया। तीसरा चेक किया करो हमेशा स्पिन, सबसे ज्यादा परेशानी स्पिन में आती है, हाफ, इसका भी स्पिन हाफ, इसका भी स्पिन हाफ, इसका भी स्पिन हाफ, स्पिन कंजर्व। तो मास नंबर कंजर्व, एटॉमिक नंबर कंजर्व, स्पिन कंजर्व, ये तीनों चीजें कंजर्व है। सो दिस इज बेसिकली योर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसे आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। So you have beta negative, you have beta positive, and you have yes one electron capture now. चलो भाई इतना लिख डालो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए फिर देखते हैं इसमें कुछ questions वगैरह अगर कहीं कुछ दिखता है। इतना हो जाए बताइएगा, मैं slide change करता हूँ। भाई सबने लिख लिया, चलिए जी इसको लिख लीजिए। चलिए ये भी लिख लिया।
अल्फा डिके हो गया, बीटा डिके हो गया, अब अगला देखिए आप गामा डिके। गामा डिके स्टार्ट करने से पहले समझिए न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स क्या चीज है। सो नाउ लास्ट टॉपिक, खत्म 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 न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स में क्या होता है, दिस इज जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, आप फिलिंग करते हो 1s2, 2s2, 2p6, है ना, बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियर में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये भी क्वांटाइज्ड है, पता नहीं नेचर को क्वांटाइजेशन क्या पसंद है, सब क्वांटाइज्ड रहता है, ये क्वांटाइज्ड नहीं है भी। बस जो एनर्जीज है ना, दोज एनर्जीज आर इन MeV, एनर्जी जो होगी दैट एनर्जी इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। सो ऐसे लिख देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स आर इन MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझिए गामा डीके क्या चीज है। देखो होता क्या है, जब भी कोई अल्फा डिके या बीटा डिके होता है तो न्यूक्लियॉन्स लाइक न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये अगर ग्राउंड स्टेट था न्यूक्लियस का और ये एक्साइटेड स्टेट था, तो न्यूक्लियॉन्स ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। मान लो न्यूट्रॉन यहां आ गया, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अब नेचर का रूल है एक्साइटेड स्टेट में कुछ भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकता, वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये क्या करेगा, यहां से ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा तो लिखकर बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। वेरी गुड, एमिट करेगा, बहुत बढ़िया, एमिट करेगा, इट एमिट इलेक्ट्रॉन, एमिट रेडिएशन। अब ये जो एनर्जी एमिट करता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी गामा स्पेक्ट्रम में लाई कर देती है। भाई लाइट ही तो निकल रही है, बस आप फ्रीक्वेंसी देखते हो, आप कहते हो अच्छा ये फ्रीक्वेंसी विजिबल में नहीं, ये फ्रीक्वेंसी गामा में, तो उसे आप कह देते हो गामा डीके, तो आप कहते हैं गामा रेज एमिट हो रही है। गामा रेज एमिट होने का क्या मतलब, एनर्जी तो निकल रही है, बस फ्रीक्वेंसी गामा रीजन में लाई करती है, तो उसे आप गामा डीके कह देते हैं, दैट्स गामा डीके। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से निकला और ग्राउंड स्टेट में आ गया, रेडिएशन इसने एमिट कर दी, दिस इज व्हाट वी कॉल गामा डीके, ये गामा डीके। आप चाहे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, इसने जो एनर्जी एमिट करी वहां से आप एच न्यू निकाल सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड गामा रेज, जो भी गामा रेज एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है ये न्यू, ऐसे आप निकाल सकते हैं, दिस इज गामा डीके ओनली। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर एक एग्जांपल में आपको लिखकर दिखा देता हूं। इतना लिख लीजिए, एक एग्जांपल में आपको लिखकर दिखा देता हूं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, आपको याद होना चाहिए ये गामा डीके के ऊपर। अरे लिख लो तो बता दो मुझे, इसका एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये है कि कोबाल्ट है, एटॉमिक नंबर 27 होता है, मास नंबर नॉट नॉट कोबाल्ट
निकल है आपके पास, निकल का मास नंबर 60, एटॉमिक नंबर 28, कोबाल्ट है मास नंबर 60, एटॉमिक नंबर 27। मैं इसका बीटा नेगेटिव लेके करा रहा हूं, इसका बीटा पॉजिटिव भी करा सकते हैं, लेकिन कोबाल्ट का बीटा नेगेटिव डिके करा देते हैं। तो जैसे ही आप इसका बीटा नेगेटिव कराएंगे, निकल बनेगा, एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और ये जो निकल बनेगा ना यार, निकल बनेगा हायर एनर्जी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में नहीं होता ये निकल, हायर एनर्जी स्टेट में बनेगा। तो अब ये क्या करता है निकल, तो देखिए ऐसे मैं इसको ना डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूं। ये कोबाल्ट था मास नंबर 60, एटॉमिक नंबर 27, इसमें आपने बीटा नेगेटिव डिके करा दिया। तो जब आपने इसमें बीटा नेगेटिव डिके करा दिया तो निकल बन गया 60 28। अब ये निकल एनर्जी एमिट करेगा, ये पहले एक फोटोन एमिट करता है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, फिर एक और एमिट करता है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये गामा डिके है, ये गामा डिके, ये दो गामा डिके। सो दैट वाज अबाउट गामा डिके ओनली। इसके बाद आपके पास फिजन और फ्यूजन पर क्वेश्चंस आते हैं। फिजन और फ्यूजन ये दोनों चीजें मैं आपको जब मैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व करा रहा था तो मैं समझा चुका था, तो इसको दोबारा लिखने का मतलब नहीं बनता। फिजन भी मैं बता चुका हूं कि हैवी न्यूक्लियाई का लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक करना, फ्यूजन बता चुका हूं कि दो लाइट न्यूक्लियाई का कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियाई बनाना। एनर्जी कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, विच इज मास डिफेक्ट ओनली। अब मास डिफेक्ट लोगे और वहां से एनर्जी कैलकुलेट करो, इतना लिख डालिए, ये लिख लीजिए, ये तो लिख लिया था आप लोगों ने, इसे लिख लीजिए, दिस कंप्लीट्स योर न्यूक्लियस।